न्यूज में आपके साथ मैं हूँ शादाब काजमी। और जैसा कि आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, कैमरे के पीछे मौजूद अपने साथी से अनुरोध करूंगा कि दिखाएं ये तस्वीरें। मिर्ज़ाहादीपुरा चौक है ये, नगर क्षेत्र के मुख्य चौराहों में से एक ये चौराहा है जिसके सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है। और आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में कि किस तरह से जो सड़क के किनारे, सड़क से लगे हुए बिल्कुल सटे हुए जो पेड़ थे उनको काटा जा रहा है। और वहीं जो प्रतीक्षालय बना हुआ था सड़क के किनारे, रोडवेज बसों के इंतज़ार के लिए जो यात्री हैं उनके लिए, उसको भी हटाया जा रहा है वहां से। और इसी के साथ विद्युत विभाग को भी निर्देशित किया गया है कि जो उनके खंभे हैं और जो तमाम चीज़ें सड़क के किनारे हैं विद्युत विभाग की, उनको भी हटा लिया जाए ताकि जाम से मुक्ति मिल सके और इस चौराहे को, इस चौक को सुंदर बनाया जा सके। आप देख पा रहे होंगे जो अवैध अतिक्रमण थे कुछ यहाँ पर, उनको भी तोड़ा गया है और अभी कार्रवाई चल ही रही है। पीछे तस्वीरों में भी आप देख पा रहे होंगे और जो सिटी मजिस्ट्रेट हैं, क्षेत्र अधिकारी हैं, वो स्वयं मौके पर पहुंचकर इस पूरी कार्रवाई को करवा रहे हैं और तमाम जगह का और मुआयना किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा। और जहां भी अवैध अतिक्रमण पाया जा रहा है उसको हटवाया जा रहा है। और ज़िला प्रशासन का एक प्रयास है कि मऊ नगर को जाम से मुक्ति दिलाई जा सके। और कहीं ना कहीं काफ़ी लाभ भी इसका देखने को मिल रहा है, इसका असर देखने को मिल रहा है। जो जाम वाले, अभी आप देख पा रहे होंगे किस तरह से गाड़ियाँ आ रही हैं जा रही हैं, किसी तरह का जाम यहाँ पर नहीं है, हालाँकि अभी काम चल रहा है। तो ऐसे में ज़िला प्रशासन के इस कदम से कहीं ना कहीं मऊ शहर को काफ़ी लाभ मिलने वाला है। लेकिन एक रिक्वेस्ट, एक अपील करना चाहेंगे हम ज़िला प्रशासन के आला अधिकारियों से कि जो बड़े बड़े वृक्ष काटे जा रहे हैं, निसंदेह एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है, सुंदरीकरण किया जा रहा है चौराहे का, जाम से मुक्ति दिलाई जा रही है नगर को, लेकिन इसी के साथ जो वृक्ष काटे जा रहे हैं, जो हरे भरे पेड़ काटे जा रहे हैं, उनके बदले दूसरे पेड़ों को भी लगवाया जाए। नगर मजिस्ट्रेट हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सुंदरीकरण का कार्य हो रहा है मिर्ज़ाहादीपुरा चौक पर भी, काफ़ी सारे पेड़ भी कटे हैं, पोल हटाए जा रहे हैं, किस तरह की कार्रवाइयां की जा रही हैं, क्या क्या अब होने वाला है आगे? जिला अधिकारी महोदय का स्पष्ट निर्देश है कि जो मऊ जनपद के तिराहे या चौराहे हैं उनको सुंदरीकरण किया जाए और अवैध अतिक्रमण को हटाते हुए एक यातायात की सुगम व्यवस्था तो मिले ही लोगों को, लेकिन एक सुंदर चौराहे के रूप में विकसित हो। इस कड़ी में जो संभ्रांत और व्यापारी और अच्छे लोग हैं उनसे भी गोद देने का निवेदन किया गया और वो लोग ले भी रहे हैं, बहुत सारे प्रस्ताव आए हैं। इसके अलावा अभी आर्किटेक्ट प्लान बनाया जा रहा है और आर्किटेक्ट फाइनल होने के बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसको अंतिम स्वरूप प्रदान किया जाएगा। तो गाजीपुर तिराहे से पहले प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे शनै शनै सारे चौराहों को हम लोग कवर करेंगे। नगर के मुख्य चौराहों में से एक है मिर्ज़ाहादीपुरा चौक, जहां पर काफ़ी सारे पेड़ भी काटे गए हैं और बिजली के पोल जो हैं सड़क से काफ़ी सटे हुए हैं। देखिए, सही बात है कि मिर्ज़ाहादीपुरा चौराहा बहुत संवेदनशील और बहुत महत्वपूर्ण चौराहा है, यात्रा की दृष्टि से भी बहुत जाम रहता है। उसको ध्यान में रखते हुए वहाँ पर जो अवैध अतिक्रमण वो हटाए गए हैं, आपने देखा पोलों को भी शिफ्ट किया जा रहा है, वृक्ष भी हटाए जा रहे हैं और एक बृहद स्वरूप वहाँ पर दिया जा रहा है ताकि यातायात तो सुगम हो लेकिन सुंदर चौराहा भी रहे। क्योंकि आप जाके देखिए, अगर आप सीधे देखेंगे तो वो बहुत सारे शोरूम अब एकदम स्पष्ट नज़र आने लगे हैं, देखने में सुंदरता कुछ झलकने लगी है, लेकिन जब ये पूरा प्लान तैयार हो जाएगा तो आप देखेंगे कि विशेष परिवर्तन दिखाई देगा। अभी आपने सुंदरता का जिक्र किया और सुंदरीकरण का कार्य किया जा रहा है, सही बात है, काफ़ी अच्छा काम है और ज़रूरी भी था ये। लेकिन जो सड़कों के किनारे से बड़े बड़े वृक्षों को काटा जा रहा है, क्या उनके बदले कहीं और पर? हाँ, वो तो वृक्षारोपण प्रक्रिया तो वृहद स्तर पर चली रही है और भी वृक्ष लगाए जा रहे हैं। अभी जब बनेगा तो उस प्लान में भी तरह तरह के वृक्ष लगाए जाएंगे और मनमोहक और सुंदर बनाया जाएगा। मतलब भविष्य में मऊ वासियों का ये जो नगर है काफ़ी सुंदर होने वाला है? कोशिशें की जा रही हैं और मुझे लगता है कि ज़रूर होगा। तो ये थे नगर मजिस्ट्रेट, जिन्होंने बताया किस तरह से ज़िला प्रशासन द्वारा नगर को सुंदर बनाने के लिए कार्य किए जा रहे हैं। जो विद्युत के पोल सड़कों से सटे हुए लगे हुए हैं उनको हटाया जा रहा है, जिनको लेकर ट्रैफिक की भी काफ़ी सारी समस्याएं होती हैं। इसी के साथ ही जो पेड़ काटे जा रहे हैं उसके बारे में भी हमने बात की, जैसा कि कमेंट्स में भी आपने लिखा था, हमने सवाल किया, तो
सिटी मजिस्ट्रेट सर ने ये बताया कि उसके बदले दूसरे पेड़ लगाए जा रहे हैं। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।